सो सारी फेमिनिज्म होता क्या है? फेमिनिज्म होता क्या है? फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक बट एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी है, पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों. और फेमिनिज्म का मकसद है मेरे हिसाब से दीवारें हटाना, दीवारें तोड़ना, स्पेशली जो पावर की होती हैं. वहाँ पे जेंडर की भी बात आती है, जिस्मानी जेंडर और वो जेंडर जो आप दुनिया में इजहार करते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ें सेम नहीं होती. और फेमिनिज्म का एक ये मेन पॉइंट ये है कि जो जेंडर आपको शायद जिस्मानी तौर पे दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी दुनिया में अदाकारी भी वही हो. मैं आप ये कह रही हैं फिजिकली और मेंटली दो जेंडर्स हो सकते हैं किसी बंदे के? मेंटली भी नहीं, मतलब वो आपकी चॉइस है, ठीक है. और हमने बेसिकली ना मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी हम जानते हैं क्या है, सही है. लेकिन हमने मैस्कुलिनिटी को मर्दों की जागीर बना दिया है, फेमिनिनिटी को औरतों की जागीर बना दिया है. और उस जागीर के मुताबिक फिर हमने रोल्स डिफाइन कर दें कि अगर आप औरत हैं तो आप फेमिनिन हैं, तो आप ये कर सकते हैं और इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं और ये. और अगर आप मर्द हैं, आप मैस्कुलिन हैं, आपकी आपकी ये दुनिया में आपका हिस्सा ये, आपका रोल ये है. फेमिनिज्म कह रही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. और ये सिर्फ फेमिनिज्म नहीं है, हमारी हम जहाँ रहते हैं साउथ एशिया में, अगर आप देखें मलंगों को देख लें, चूड़ियाँ पहनते हैं, यू नो देर इज़ अ लॉट हमारे कल्चर में ऑलरेडी, जहाँ पे जेंडर एक कोई फिक्स चीज़ नहीं है. कुछ औरतें होती हैं जो ज़्यादा मर्दानगी इजहार करती हैं, कुछ मर्द होते हैं ज़्यादा फेमिनिन होते हैं. हमारे जहन में जब हमें एक मर्द नज़र आता है जो फेमिनिन होता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, राइट. उसको औरत या बहन की गालियाँ दी जाती हैं. ठीक है, तो फेमिनिज्म कह रहा है नहीं, ये सब उखाड़ दिया जाए, इस सब को तब्दील किया जाए. और ये इंसान की अपनी चॉइस है कि मेरा जेंडर क्या है, मेरा मैं अपने जिस्म को किस तरह इजहार करूँ, किस तरह ना करूँ, मैं कितनी फेमिनिनिटी इजहार करूँ, कितनी मैस्कुलिनिटी इजहार करूँ. तो एक तरफ जेंडर है, दूसरी तरफ है क्लास. फेमिनिज्म ये मानती है कि आप सिर्फ एक ही तरह के ऑपरेशन या एक ही तरह के जुल्म की बात नहीं कर सकते. जेंडर की बात करें, उसके साथ क्लास की बात करें, तबके की बात करें, मज़हब की बात करें, ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं. जिस वजह से इस मुशायरे में तो सब चलता है, बट जिस तरह इस मुआशरे में औरतों को दबाया गया है, उसी तरह नॉन मुस्लिम्स को दबाया गया है, उसी तरह गरीब आदमी को दबाया गया है. तो जब एक तबके की आज़ादी होगी, तभी सबकी आज़ादी होगी. और ये आज़ादियाँ जुड़ी हुई हैं, ये फेमिनिज्म है. दिस इज़ फेमिनिज्म.